नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर सिस्टम ओवरफ्लो हो जाए या सिस्टम के ऊपर से पानी निकलना या फिर जहां से हम हैंडल को यूज करते हैं, जो सिंपल सिस्टम है जैसा कि मैं आपको दिखा दूं मेरे पीछे है, तो उसमें से जो है पानी निकल रहा है, तो उसका क्या कारण होता है, उसको कैसे ठीक करें, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसके जो है यहाँ हैंडल से पानी निकल रहा है और एक ये जो इसका ओवरफ्लो को होता है इसमें से पानी निकल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ साइड में एंगल वॉल है उसको बंद कर देते हैं। और इसको रिपेयर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक प्लास और पेचकस की ज़रूरत होगी। तो प्लास से क्या है, जो इसकी जो ये लॉक होता है आप इनको ऐसे निकाल लें और सेफ रख लें बाद में लगाने के लिए। तो ये लॉक हम लोगों ने निकाल लिए और यहाँ पर रख दिए हैं और इसका ढक्कन जो है वो उतार दिया है हमने। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि पानी जो है वो पूरा भर गया है, इसकी वजह से ये हैंडल में से और यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा खाली कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसको रोक दिया है और एंगल वाल्व से मैं खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर पानी चलता है, ये देखिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये रुक नहीं रहा है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं एंगल वाल्व को एक बार बंद कर देता हूँ। इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, कई बार या तो आप इसको ध्यान से देखें, कई बार क्या होता है दोस्तों इसके अंदर है ना, इसको ऐसे आराम से खोल लें, आराम से खोलने के बाद इसको एक बार साइड में रख दें ताकि इसका जो है वो ये नट बोल्ट होता है वो गिर ना जाए। एक बार इस काले वाशर को निकाल लें और एक बार इसके अंदर पानी चला दें ताकि इसके अंदर कोई कचरा वचरा हो तो वो निकल जाए। तो इसकी तो यहाँ पर हम लोगों ने सफाई कर दी है। वाशर को वापिस हम लगा देंगे। इसकी डायरेक्शन जो इसका जो पेंच होता है दोस्तों, उसको ऊपर की तरफ रख के एक हाथ से पकड़ के और ऐसे ऐसे जैसे मैंने नीचे वाली उंगली से उसको दबा कर रखा है और इसको ऐसे टाइट कर लें। तो एक बार पानी चला के देखता हूं मैं, लेकिन पानी अभी भी जो है दोस्तों दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि उसका जो नोज है वो पानी में डूब गया है। तो आप लोगों को सिर्फ मैं एक बार इसको थोड़ा खाली कर देता हूं, तो पानी देख सकते हैं आप लोग इसमें चल रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एंगल वाल्व को ओपन कर देता हूँ और पेचकस की सहायता से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये एक पेंच टाइप का होता है। इसको जैसे आप लोग इसकी चूड़ी चढ़ाएंगे तो दोस्तों इसका जो ये पेंच होता है, इस पेंच से पानी का जो प्रेशर है वो कम ज्यादा होता है। तो मैंने इस पेंच की देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे ये फुटबॉल आप लोगों को दिखा दूं, ये जो पेंच है ये किस तरह से वर्क करता है। अभी हमारा फुटबॉल जो है वो नीचे है, इस पेंच का क्या मैटर है वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। हम लोगों ने जैसे एंगल वाल खोला, पानी सिस्टम के अंदर चालू हुआ, जैसे जैसे सिस्टम के अंदर पानी भरेगा ये फुटबॉल ऊपर उठेगा। उस पेंच का ही बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, जैसे ये नोब अंदर की तरफ जाएगी, देखें आप लोगों को मैं ऐसे दिखा देता हूँ बिना हैंडल उठाए। Thank you.
जैसे ये पीछे की तरफ जाएगा पानी बंद हो जाएगा, हमने इसको छोड़ दिया है। तो इसी तरह से इस पेच का काम ये है कि हम लोगों ने इसकी जो है दो तीन चूड़ियाँ हैं वो इस पेच की तरफ धका दी है। यहाँ से हम लोगों ने इसकी चूड़ियाँ पेचकस के माध्यम से यहाँ पर धका दी हैं, जिसके माध्यम से ये वाला जो पेच है वो इसके साथ ज़्यादा टच हो जाएगा और जैसे ये पानी इसमें भरेगा और फुटबॉल ऊपर उठना लगेगा तो ये इसको दबा देगा और पानी का प्रेशर जो है वो बंद हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसको भरने दें तो हम देखते हैं इसके अंदर अभी कितना पानी भरता है। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ये पानी भरता जाएगा फुटबॉल ऊपर उठेगा, ये डंडी ऊपर उठेगी। जैसे ये डंडी ऊपर उठेगी तो ऊपर उठते ही ये इससे टच हो गया, इसको अंदर की तरफ देख सकते हैं आप इसको कितना धक्का दिया इसने। पानी की हमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है अभी तो हम थोड़ा सा और घुमा देते हैं। तो दोस्तों जो पानी का जो लेवल था वो इसके लेवल तक भरा हुआ था या फिर हैंडल के यहाँ लेवल तक पानी भरता था, तो इसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो ओवरफ्लो होके और हैंडल के और साइड से पानी निकल जाता था। तो हम लोगों ने पेंच की सहायता से इसकी दो तीन चूड़ियाँ इसकी तरफ चढ़ा दी है तो ये पानी को कंट्रोल करता है और पानी को रोकता है। अब हमारे सिस्टम बिल्कुल ओके हैं, पानी रुक गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।